बेस्ट में बेस्ट मेरे किचन में आप सबका वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के लड्डू। यहाँ पे मैंने एक बाउल के करीब 250 ग्राम के करीब सूजी ले ली है और ये बहुत ही बारीक सूजी है। और अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप ग्राइंडर जार में इसको पीस के बारीक बना लें। और यहाँ पर हमने लिए हैं शुगर पाउडर जो 3 चम्मच है के करीब लिया है। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप 4 चम्मच भी इसमें मिला सकते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं मलाई जो घर के दूध की प्योर है, इसमें 2 चम्मच हमें सिर्फ डालना है। ये 1 चम्मच और 2 चम्मच, बस हमें 2 चम्मच के करीब डालना है। यहाँ पे ले लिया हमने नारियल का बुरादा जो 250 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा है। अब अगर आपको नारियल का बुरादा नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये दूध है और दूध के से हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको हम गूँथेंगे और एक आटे के डोके जैसा हमें मिक्स करते हुए बना लेना है। आटे के डोके जैसा, जैसे अच्छे से सारा नारियल का बुरादा, सूजी और सब मिक्स हो जाए। ये देखिए आटे के डोके जैसा बन के तैयार है। इसको 2 भाग में हमने कर लिए हैं। 2 भाग में करके अच्छे से हमें एक पेड़ा बनाते हुए इसको बेलन चकले पे बेल लेते हैं, एक रोटी के जैसे आकार में। ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, बिल्कुल रोटी से थोड़ा सा हमें मोटा बेलना है। बस इस तरीके से ये देखिए इतनी मोटी रोटी रहेगी। अब एक गिलास के से हम इसको कट कर लेते हैं, छोटी छोटी टिक्की के बराबर हमें कट कर लेना है इस तरीके से। बस ये देखिए बन करके सब तैयार है सारी। अब एक फ्राई पैन में हमने देसी घी लगा लिया है। आप कोई सा भी रिफाइंड जो तेल होता है या घी, वो भी आप डालने वाला यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें टिक्की को रखते हुए सेकना है और ना ही ज़्यादा टिक्की को हमें पकाना है अंदर से और ना ही ज़्यादा इसको ब्राउन गोल्डन करना, बस हल्का सा ब्राउन कलर आने तक की हमें आधी कच्ची आधी पक्की इसको पकाना है। ऊपर से हम इसमें देसी घी लगा देते हैं, देसी घी ऊपर से लगा देते हैं। ये देखिए सारी टिक्कियों में नीचे भी हमने देसी घी लगाया था फ्राई पैन में, तो हमारी टिक्की जो है अच्छे से फ्राई जैसे पक जाएंगी और चिपकेंगी नहीं। ये देखिए अब इसको हम पलट लेते हैं सबको। ये देखिए बस यही कलर हमें रखना है टिक्कियों का और ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए बस ये कलर से बन करके तैयार है, अच्छी सिक गई है। अब फिर से हमने फ्राई पैन ले लिया, इसमें हमने 2 चम्मच देसी घी को डाल लिया है। यहाँ हमने लिए हैं बादाम जो बारीक कट कर लिए हैं और कुछ लिया है हमने काजू। अगर आप इसमें और भी ऐड करना चाहती हैं ड्राई फ्रूट तो आप किशमिश है, छुहारा वगैरह ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने यहाँ पे 2 ड्राई फ्रूट्स लिए काजू बादाम, इनको अच्छे से हमने भून लिया। अब देखिए ये टिक्की बन करके तैयार है। ये देखिए बस इसी कलर में हमें टिक्की को पकाना था। अब इसके हम छोटे छोटे से पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए बस ज़्यादा हमें बड़े बड़े नहीं करने हैं पीसेस, क्योंकि ये ग्राइंडर जार में पीस नहीं पाएंगे। एक हमें सूजी का फिर से पाउडर बनाना है तो इस तरीके से देखिए ये सारा हमने पीसेस कर लिए हैं। बस इतने ही हमें छोटे छोटे से पीसेस करने हैं। ये देखिए ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने हैं हमें। अब एक ग्राइंडर जार लिया है, इस ग्राइंडर जार में हम ये सारे टुकड़े डाल करके थोड़ा थोड़ा टुकड़े डाल करके हम इसे पीस लेंगे, सूजी का पाउडर फिर से बना लेते हैं। अभी देखिए हम पीस लेते हैं
टुकड़ों को ये देखिए पिस गया है और सूजी का पाउडर फिर से बन करके तैयार है और बहुत ही सुंदर सुंदर खुशबू आती है और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो भुने थे ये देखिए अब इसमें हम सब डाल लेते हैं और थोड़ा सा हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं। अब इसमें हमने ले लिया है शुगर पाउडर, हम शुगर पाउडर को यहाँ पे भी 3 चम्मच के करीब फिर से ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा मीठा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं शुगर को सारी सूजी में। अब ये ले लिया हमने देसी घी और देसी घी के 4 चम्मच हम इसमें मिलाएंगे ताकि और सूंदी 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 से जो लड्डू बनेंगे और बहुत ही हेल्दी ये लड्डू बन के तैयार होते हैं यहाँ पे। अब इसको हम देसी घी को सब सूजी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मिक्स करते हुए हम इसको सबको अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए सब मिक्स हो गए। अब हम एक थोड़ा छोटा सा गोल गोल सा लड्डू बना लेंगे ये देखिए। और इसके लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं और ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं, बच्चे हों बड़े हों सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अब देखिए इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेना है ये देखिए लड्डू। अब देखिए लड्डू बन करके तैयार है, कितने ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।